ब्रेड से बने हुए ये डोनट बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन ब्रेड के स्लाइस को ले लेंगे। एक ग्लास ले लूंगी मैं और ग्लास की मदद से हम इसको ऐसे सर्कल कट करेंगे। थोड़ा सा ये मैदे में मैं डिप कर रही हूं। इसी तरीके से हम ये बाकी के ब्रेड के भी सर्कल इस तरीके के काट लेंगे। तो यहां पे ये मैंने सारे कट करके रेडी कर लिए हैं। अब हमें ऐसा एक छोटा ढक्कन चाहिए, आप कोई भी ले सकते हैं जो इस साइज का हो। और अब हम इसको इस तरीके से सेंटर में रख के एक छोटा सर्कल काटेंगे, तो ये हमें डोनट की शेप का लगेगा। इस तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमें ये तैयार कर लेंगे। अभी सर्कल भी हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब ये जो मैदा है हमारे पास, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके एक पतला घोल बना लेंगे। मिक्स कर लूंगी मैं इसको, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको एक पतला सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके का ये घोल हम रेडी कर लेंगे। तो ये घोल हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ये कंडेंस मिल्क है, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सॉस या कोई भी चॉकलेट मेल्ट करके उसका यूज कर सकते हैं। तो ये कंडेंस मिल्क जो है हम इसके सेंटर में यहाँ लगाएंगे, जो हमने ये ब्रेड काटे थे। बस, और ये जो ये वाला स्लाइस है इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे और सेट होने देंगे इसको 2 मिनट के लिए। ऐसे ही हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। ये भी तैयार हो गया हमारा, इनको साइड में रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी डार्क चॉकलेट है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप कोई सी भी चॉकलेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो। अब हम इस चॉकलेट में 2 से 3 चम्मच गरम दूध डाल के इसको मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट पिघलाते वक्त हमारा ये जो दूध है ये बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए।
तो ये चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसको साइड में रखेंगे हम। और अब जो ये हमने मैदे वाला घोल तैयार किया था इसको ले लेंगे हम। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है, उसमें तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अपने ये डोनट लेंगे हम, ये जो हमने तैयार किए हैं, और इसको इस मैदे के घोल में अच्छे से हम डिप करेंगे। तेल हमारा गरम है, इसको मैं इसमें फ्राई होने के लिए रख दूंगी। इसी तरीके से दूसरा डोनट भी इसमें अच्छे से डिप करेंगे हम, और उसके बाद इसको भी मैं ऑयल में डाल दूंगी। अच्छी तरीके से घुमा घुमा के हम इनको और दोनों साइडों से तल लेंगे। पहले हम गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखेंगे, ऑयल गर्म होने के बाद इसको फिर हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे। तो ये डोनट हमारे एकदम रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। अब 5 मिनट के लिए हम इनको साइड में रख देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो डोनट हमारे तैयार हो गए हैं और ये ठंडे हो गए हैं, बहुत ही अच्छे और फ्लफी बने हैं ये। कोई नहीं देख के नहीं बता सकता कि ये डोनट ब्रेड के बने हैं। तो अब हम यहाँ पे ये अपनी मेल्ट की हुई चॉकलेट ले लेंगे और अपने इस डोनट को हम इस चॉकलेट में डिप करेंगे इस तरीके से। प्लेट पे निकाल लूंगी मैं इसको। इसी तरीके से मैं ये तीनों डोनट तैयार कर लूंगी, इसको भी प्लेट पे निकाल लेंगे, डिप कर लेंगे इसको। ये डोनट हमारे तैयार है। अब मेरे पास यहाँ पे ये शुगर कैंडीज है, इससे मैं इनको डेकोरेट कर लूंगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या अपनी मर्जी से जैसा भी आप चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इनके ऊपर ये थोड़े थोड़े से मैं स्प्रिंकल कर दूंगी, इससे ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और 5 से 10 मिनट के लिए मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। इस पे मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी थोड़ा सा। और 5 मिनट के लिए हम इनको फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर ये डोनट बन करके हमारे तैयार हो गए हैं और ये ब्रेड से बने हैं। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना, आप जब मन चाहे इनको बना सकते हैं और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। इन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये ब्रेड से बने हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।